मैंने पूरे भारत में 1,00,000 ट्री प्लांटेशन का टारगेट बनाया और अभी तक मैंने 17 स्टेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया था अपना ट्रैवल करना और अभी तक 23,000 प्लांट लगा चुका है, 1,00,000 का टारगेट है। कहीं रोड बनाने के लिए 20,000 पेड़ काटे जा रहे हैं गोवा में, तो कहीं बहुत से अलग अलग स्टेट में कॉलोनी डेवलप करने के लिए 12,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि पर्यावरण हमारे बिना रह सकता है लेकिन हम पर्यावरण के बिना नहीं रह सकते। पेरेंट्स से बात की कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ तो उनका क्या रिप्लाई? एक्चुअली स्टार्टिंग में वो हमें सपोर्ट नहीं किए क्योंकि क्या कि एक किसान फैमिली से बैकग्राउंड करके इस फील्ड में आना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो वो बेटर रहो। और रहने खाने के लिए तो गुरुद्वारा मंदिर आश्रम है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लेके क्या निकले थे घर? स्टार्टिंग में तो बस 2 जोड़ी कपड़ा लेके निकला था। अच्छा। बाकी आगे पब्लिक सपोर्ट करती गई, लोग देते गए हैं तो चलता गया। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, पहले हमें अपने नजरिए को बदलना है तब जमाने बदलेंगे। तो यही है, अपनी पहले सोच को पॉजिटिव करिए, बाकी सभी लोग पॉजिटिव मिलेंगे। ग्रीनरी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है बारिश, अगर ग्रीनरी रहेगा तभी बारिश होगी और बारिश होगी तभी हम खेती करेंगे। जैसे पूरा हरियाणा पंजाब पूरी खेती के ऊपर डिपेंड है, तो अगर ग्रीनरी नहीं रहेगा तो हम कैसे खेती कर सकते हैं? प्रो पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं ईशा। एक 20 साल का किसान का पुत जिसने ये वेख्या कि जिहड़ा क्लाइमेट आ वह चेंज हो रहा वा, रीज़न की है कि दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा दूषित होंगी पई आ, पोल्यूशन आ जिहड़ा लगातार वाधा जा रहा जिस नाल बीमारियां भी वध रही ने। ते पता नहीं उसके दिमाग दे विच, उस 20 साल के नौजवान के दिमाग दे विच की आता है कि वह एक यात्रा ते निकल जाता। वह यात्रा सिर्फ ये नहीं कि छोटी जी यात्रा एक पिंड तो दूसरे पिंड तक या एक शहर तो दूसरे शहर तक, वह एक टिचा मिथ लैंदा है कि मैं पूरे इंडिया दे विच घूमना वा, तो 1,00,000 जिहड़े पेड़ ने वो लगाने ने ते लोगों नूं अवेयर भी करना। तो साइड बाय साइड अगर गल करिए तो एक पैशन भी उन्हां दा ट्रैवल करना, तो उन्होंने एक टैटू भी बनवाया जिते लिखा होया एडवेंचर। गलबात भी करांगे उन्होंने नाल। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। तो आपकी एज कितनी है? 22 है अभी तो फिलहाल। अभी तो 22 है। जब आपने ये स्टार्ट किया था घूमना तो क्या सोच के किया था? एक्चुअली फर्स्ट थिंग कि इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देख रहा था, और जो लोग खेती करते हैं तो आजकल मिट्टी भी हमसे दूर होती जा रही है क्योंकि लोग केमिकल का ज़्यादा यूज़ करें, जैविक खादों का बहुत कम यूज़ करें, और पेड़ों की भी काफ़ी ज़्यादा कटाई चल रही थी। तो इस तरह से हमें लगा कि अगर अपने पैशन के साथ साथ इस क्लाइमेट के बारे में अगर मैं हम लोग खुद सोचते हैं तो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि हम एक यूथ हैं। अगर एक यूथ ये कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं अपने यूथ में एक मैसेज पहुंचेगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट आ सकता है। सो इसको लेके मैंने पूरे भारत में 1,00,000 ट्री प्लांटेशन का टारगेट बनाया और अभी तक मैंने 17 स्टेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और 17 स्टेट्स में मैंने ट्रैवल करना कब स्टार्ट किया था? मैंने अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया था अपना ट्रैवल करना और अभी तक 23,000 प्लांट लगा चुका है, 1,00,000 का टारगेट है, मिशन है मेरा। और मैं स्कूल कॉलेज भी अटेंड करता हूँ, वहाँ पे जाके अपने बच्चों को, मतलब अपने जो एज के लोग हैं उनको अपने मैसेज को स्प्रेड करता हूँ कि नहीं आप ऐसे ऐसे करो, क्योंकि बहुत से जगहों पे हमने देखा कि कहीं रोड बनाने के लिए 20,000 पेड़ काटे जा रहे हैं गोवा में, तो कहीं बहुत से अलग अलग स्टेट में कॉलोनी डेवलप करने के लिए 12,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि पर्यावरण हमारे बिना रह सकता है लेकिन हम पर्यावरण के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इन्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान के लिए, क्योंकि उसी से हमें सब कुछ मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, बारिश होती है तो हम खेती करते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट है हमारे लिए सब। तो इसी को लेके अपनी जर्नी कर रहा हूँ और अभी तक 43,000 किलोमीटर की साइकिलिंग कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की तरफ। मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? मेरे पापा किसान है, फार्मर बैकग्राउंड से मैं, और एक मतलब जब हम खेती करते थे तो उस टाइम से हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं अगर ये चीज़ें जब हमारे एक छोटे से गांव में इतना सब हो रहा है तो पूरे देश में अगर होता हो तो कितना इफेक्ट आ सकता है।
तो उसको लेके मैंने सोचा कि ठीक है अपने पैशन के साथ साथ इसको लेके मैं निकलता हूँ और निकल पड़ा। जब पेरेंट्स से बात की कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ तो उनका क्या रिप्लाई था? एक्चुअली स्टार्टिंग में वो हमें सपोर्ट नहीं किए क्योंकि क्या कि एक किसान फैमिली से बैकग्राउंड करके इस फील्ड में आना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनको लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो वो बेटर रहेगा, मतलब वो अपने बच्चों की सेटलमेंट देखते हैं कि नहीं बच्चा इससे करके क्या इसकी फ्यूचर बनेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है 2 साल में कुछ होगा नहीं लेकिन बहुत कुछ सीख लूँगा और बहुत कुछ अपने इन्वायरमेंट को भी दे दूँगा। तो यही है 2 साल की जर्नी अपने इन्वायरमेंट और अपने देश के लिए दे रहा हूँ, बाकी तो अपनी पूरी लाइफ है ही ये कमाने खाने के लिए। तो अभी पेरेंट्स से जब बात करते हो तो बात कैसे होती है? नॉर्मली होती है? बोलते नहीं कि गर्मी है या तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ अब नॉर्मली बात होती है तो यही बोलते कि बहुत हो गया अब वापस आ जाओ, बट मैं बोलता हूँ नहीं अभी थोड़ा सा और रह चुका है, बस जैसे इतना हुआ वैसे थोड़ा सा और कर लेते हैं फिर आ जाएंगे वापस, क्योंकि पूरा जीवन तो हम अपने घर पे रहते ही हैं और मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को कम से कम अपना देश घूम लेना चाहिए और उस घूमने के दौरान एक मकसद बनाना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को लेके, चाहे जो भी एक सोशल कॉज हो उसको लेके अपने सोसाइटी में उस मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए। और हर एक स्टेट का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर। अभी तक कितनी स्टेट्स में घूम चुके? अभी तक 17 स्टेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 17 स्टेट्स कंप्लीट हुई है और उन 17 में से क्या क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हर एक स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है, फूड है, एवरीथिंग सब कुछ डिफरेंट है। तो वहाँ की चीज़ों को जाके सीखता हूँ कि नहीं यहाँ के लोगों की लोकल भाषा क्या है, यहाँ के लोग अपना कल्चर कैसे फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ों को सीखता हूँ। लोग प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा। अभी आप हमें रास्ते में मिले हो तो वैसे ही कोई और रास्ते में मिलता है आपको रोकता है? लोगों का प्यार सपोर्ट जो है ना अनबिलीवेबल, मुझे विश्वास भी नहीं था कि इतना मिलेगा, मतलब सोच से ज्यादा। 43,000 ट्रेवल कर लिया किलोमीटर्स है ना, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आई कि आपका फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आई, वो कैसे मैनेज करते हो? कुछ पब्लिक सपोर्ट से मैनेज करता हूँ और कुछ सेल्फ मैनेज करता हूँ, और रहने खाने के लिए तो गुरुद्वारा मंदिर आश्रम है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लेके क्या निकले थे घर? स्टार्टिंग में तो बस 2 जोड़ी कपड़ा लेके निकला था। अच्छा। बाकी आगे पब्लिक सपोर्ट करती गई, लोग देते गए हैं तो चलता गया है। अब क्या क्या है आपके पास? अभी मेरे पास स्लीपिंग बैग है, टेंट है, कुछ बनाने खाने की भी सुविधा है, तो हो जाता है, मैनेज कर लेता हूँ। मैनेज कर लेते हो? कभी कोई दिक्कत आई कहीं जाके? अब वैसे क्लाइमेट चेंज तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आता रहता है, बट वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए एक बात कही गई, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, पहले हमें अपने नजरिए को बदलना है तब जमाने बदलेंगे। तो यही है, अपनी पहले सोच को पॉजिटिव करिए, बाकी सभी लोग पॉजिटिव मिलेंगे जी। तो पंजाब में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब जब मैं साउथ में था तो मुझे लगा कि नहीं साउथ जैसा कोई स्टेट नहीं है, फिर गुजरात में लगा तो गुजरात जैसा कोई स्टेट नहीं, लेकिन वास्तव में जो पंजाब हरियाणा की फीलिंग है ना अनबिलीवेबल, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ के गाँव में घूम के जितना हाईवे पर मज़ा नहीं आ रहा है उतना गाँव में घूम के ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम है हम लोगों ने हाईवे सेलेक्ट किया, नहीं तो गांव-गांव ही आते हैं, मज़ा अच्छा लगता है बहुत, लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिलता है, प्यार भी है, लोग पूछते हमेशा पूछते रहते हैं बेटा कहाँ से आ रहे हो ऐसे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लोग भी थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं अच्छा। अब प्लांट्स कितने लगा चुके और कितने लगाने बाकी? 1 लाख का टारगेट है और 23,000 प्लांट्स लगा चुका हूँ मैं। प्लांट्स में देसी प्लांट्स ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये अगर हम थोड़ा कम भी केयर करें तो ये बढ़ सकता है और इससे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट होता है, जैसे नीम का हुआ, मैंगो का हुआ, पीपल, बरगद, आम, ये सब यही चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। और देखिए जो हम प्लांट्स लगाते हैं ना ग्रीनरी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है बारिश, अगर ग्रीनरी रहेगा तभी बारिश होगी और बारिश होगी तभी हम खेती करेंगे, जैसे पूरा हरियाणा पंजाब पूरी खेती के ऊपर डिपेंड है, तो अगर ग्रीनरी नहीं रहेगा तो हम कैसे खेती कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी बनती है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। देखिए इंसान जीते जी तो लगा नहीं पाता है लेकिन मरते मरते एक पेड़ लेके चला जाता है, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम वो पेड़ जो आप लेके जा रहे हो उसके लिए तो एक लगा दो। नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? अभी तो हम इंडिया ट्रिप पे हैं, इसके बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊँगा। तो अभी क्या लगता है कि कितना टाइम और लगेगा आपको वापस घर जाने में? वापस घर जाने में समथिंग 1 साल और लगेगा। अच्छा लगता है जब लोगों को अवेयर करते हो, लोग प्यार करते हैं? हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है अपने भी लाइफ देखनी चाहिए लेकिन एक बार अपने इन्वायरमेंट को भी देखिए, क्योंकि पर्यावरण ही सब कुछ है। देखिए हम रहें या ना रहें पर्यावरण रहना चाहिए,
क्योंकि पर्यावरण के बिना हम नहीं रह सकते, वो हमारे बिना रह सकते हैं। तो आप अपने जीवन में भले मतलब हर साल लोग बर्थडे मनाते होंगे, चाहे जो भी फेस्टिवल चाहे कुछ भी आए, तो अपने बर्थडे पे कम से कम एक पेड़ लगाओ और उसको केयर करो 1 से 1.5 साल तक। अगर हर एक व्यक्ति एक एक पेड़ लगाने लगे तो सोचो हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, कितना हरा भरा हो सकता है। और लास्ट एक ही बात बोलूँगा कि फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करके भी हम पैसे कमा सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। हर एक फील्ड में आज के डेट में स्कोप बन चुका है, बस आपके अंदर एक जुनून रहना चाहिए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। थैंक यू। सो एक 22 साल का नौजवान जिसने 20 साल की उम्र के यात्रा शुरू की सी, तो देखा कि जोड़ा वातावरण आ बहुत ज़्यादा चेंज हों पाया वा, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा वा, तो जिसके चलद उन्हें इकले ही यात्रा स्टार्ट की। 17 स्टेट्स आ जड़िया घूम चुके हैं, 43,000 किलोमीटर चार्ज साइकिल से ट्रैवल कर चुके हैं, तो हूँ अगे भी बाकी स्टेट्स आ जड़िया वह घूमने केंद्र ने कि 1 साल का टाइम होर लग सकता है, कि जिसके 2022 अक्टूबर के उन्होंने स्टार्ट किया। एक बहुत सोहनी गल वीर ने आखी है, कहते कि पूरे जीवन के चाहे पेड़ नहीं लगाते लेकिन जो तुहाडी मौत हुंदी है तो तुसी एक पेड़ जरूर नाल लैके जाने हो, तो उस पेड़ के खातिर ही एक पेड़ जरूर अपने बर्थडे ते या किसी भी अच्छे दिन के लिए वह पेड़ लगाया करो, उसकी देखरेख कराया करो, क्योंकि वातावरण जिहड़ा वा उसकी सानू बहुत ज़्यादा जरूरत है साफ सुथरे वातावरण। कैमरामैन आकाश के नाल मैं ईशा प्रो पंजाब लुधियाना।